हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त सयान आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्वैद की 7 बड़ी अपडेट। तो कौन कौन सा वो अपडेट होगा सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वैद के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं और वो पहले क्या थे, उनका सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ क्वैद वीजा के ऊपर 2 नया अपडेट है, एक अपडेट जो बहुत अच्छा है सबके लिए और दूसरा अपडेट जो बहुत बुरा है सबके लिए। तो दोनों अपडेट क्या है वीजा के ऊपर ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, चलिए बात करते हैं क्वैद की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर यह है कि क्वैद के अंदर जितना भी हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है कोविड का जो आईसीयू के अंदर एडमिट हो। और मैं आपको बता दूं कि क्वैद के अंदर 24 घंटा के अंदर जितना भी हॉस्पिटल है क्वैद के अंदर किसी में भी कोई भी ऐसा पेशेंट जो कोविड का है लेकिन किसी भी पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ा है आईसीयू का 24 घंटे के अंदर जितना भी हॉस्पिटल है क्वैद के अंदर। और ऐसा पहली बार हुआ है क्वैद के अंदर 2 साल में जब से कोरोना आया है क्वैद के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि 24 आवर से मतलब 24 घंटे के अंदर में कोई भी पेशेंट आईसीयू के अंदर नहीं गया है क्वैद के अंदर। और क्वैद का जो कोरोना का केस है वो बहुत लो हो गया हुआ है। आज का जो कोरोना का केस है वो बस 12 है, मतलब 12 केस है बस कोरोना का क्वैद के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वैद की दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है CSC द सिविल सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट जॉब देती है क्वैद के अंदर। तो इसके अंदर 4682 पीपल जो क्वैद के हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन किया है जॉब के लिए CSC के साइट पे। मतलब ये है कि 4682 लोग ऐसे हैं क्वैद के अंदर जिनको जॉब चाहिए सरकारी, उन्होंने CSC पे रजिस्ट्रेशन किया है जॉब के लिए। तो मतलब क्वैद के अंदर भी बेरोजगारी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके वजह से मैंने आपको कल के 2 वीडियो के अंदर आपको बताया है कि बहुत सारा जो अपर क्लास जो जॉब है जिसमें अभी एक्सपर्ट्स जो बाहर से आके क्वैद के अंदर काम करते हैं उनकी जो नौकरी जा रही है धीरे धीरे, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा नौकरी जाएगा जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम करते हैं अपर क्लास के अंदर। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैद की तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर यह है कि जो भी इंडिया के अंदर कोवैक्सीन अगर ले रखा है उनके लिए एक अलग से साइट तैयार किया गया है इंडियन एम्बेसी क्वैद की तरफ से, जिस साइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सारा डिटेल जो भी आपने वैक्सीन लिया है उसका। तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको आने वाले वीडियो के अंदर दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा, मतलब आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ आपको साइट का भी डिटेल और साइट का लिंक जो है वो भी मैं आने वाले वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो ये जो साइट है क्वैद के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से दिया गया है कि जो भी कोवैक्सीन लेके इंडिया के अंदर है और वो क्वैद में नहीं आ पा रहा है क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन लिया है, तो अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके अब आप क्वैद के अंदर आ सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होगा आपको आने वाले वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वैद की चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट के अंदर यह है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्वैद के अंदर फ्रेश कैंपिंग चल रहा है। फ्रेश कैंपिंग के दौरान जो भी पकड़े जाते हैं उनको जेल में रखा जाता है, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है क्वैद से अपने अपने देश में जहां के भी वो होते हैं। तो इस सप्ताह के अंदर मतलब 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक मतलब 23 नवंबर तक टोटल जो इलीगल पकड़े गए थे उसके अंदर से 572 लोगों को क्वैद से डिपोर्ट कर दिया गया है 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रिस्क कैंपिंग है वो आगे भी चलता रहेगा और जो भी इलीगल लोग पकड़े जाएंगे क्वैद के अंदर उनको जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं डिपोर्ट होने के बाद आपको लाइफ में जिंदगी में कभी भी मौका नहीं मिलेगा क्वैद के अंदर आने का। और साथ ही साथ जितनी भी GCC कंट्री है वहां पे आप 5 साल नहीं जा सकते, 5 साल के लिए बैन हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैद की पांचवी अपडेट के बारे में। तो पांचवी अपडेट के अंदर ये है कि क्वैद के जो आमिर है मतलब जो क्वैद के किंग है उन्होंने शेख सबा अल खालिद को एज ए प्राइम मिनिस्टर क्वैद का घोषित कर दिया गया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद जो है शेख सबा अल खालिद को दे दिया गया है क्वैद का। और साथ ही साथ क्वैद के आमिर ने ये कहा है शेख सबा अल खालिद को कि वो अपना पूरा जो नया कैबिनेट है उसको अच्छे से तैयार करे और उसके बाद क्वैद की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल के आगे बढ़ाए। ओके, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्वैद के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, साथ ही साथ उनके अंदर जितना भी कैबिनेट के मेंबर थे जितना भी MP थे सारे ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था क्वैद कैबिनेट से भी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया था क्वैद के अंदर। तो कोई भी कैबिनेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं था अभी। तो ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद नया प्राइम मिनिस्टर क्वैद आमिर की तरफ से चुना गया है शेख सबा अल खालिद को। मैं आपको बता दूं कि शेख सबा अल खालिद 4 दिसंबर 2011 से लेके 19 नवंबर 2019 तक ये क्वैद के ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, लेकिन अब ये क्वैद के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं क्वैद के आज से। तो ये गुड न्यूज इसलिए है सब लोगों के लिए क्योंकि अब जितना भी वीजा है बस गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से सारे वीजा को सस्पेंड कर दिया गया था, तो अब गवर्नमेंट भी आ गया है, कैबिनेट भी बन जाएगा 1-2-3 दिन के अंदर और वीजा भी सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो अपडेट है वो वीजा के ऊपर है, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्वैद की 6 अपडेट के बारे में। तो 6 अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कल
के वीडियो के अंदर बताया था कि अब कुवैत के अंदर 5 साल से लेके 15 साल तक भी वीजा मिलेगा सब लोगों को जो भी कुवैत के अंदर काम करते हैं या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो या फिर वो बिजनेसमैन है, तो उनके लिए ज्यादातर कुवैत के अंदर ये वीजा निकाला गया है, लॉन्च किया गया है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से। लेकिन इस पे जो फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है कुवैत कैबिनेट और कुवैत आमिर की तरफ से, लेकिन इसका जो फाइल है वो कुवैत कैबिनेट के अंदर चला गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो जस्ट प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर अब कुवैत कैबिनेट को तैयार करेंगे, मतलब एक नया गवर्नमेंट तैयार करेंगे कुवैत के अंदर। उसके बाद जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से ये जो कानून लाया गया है जो वीजा का, उसको रिव्यू में रखा गया है कुवैत कैबिनेट से। तो कुवैत कैबिनेट जैसे ही इस पे देखेंगे उसके बाद वो फैसला कर देंगे कि इसको अप्रूवल करना है कि नहीं करना है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो कुवैत कैबिनेट का होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% ये जो वीजा है कुवैत के अंदर उसको अप्रूवल किया जाएगा, क्योंकि इससे कुवैत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो वीजा है ज्यादातर बिजनेसमैन को दिया जाएगा और जो बिजनेस करेंगे कुवैत के अंदर तो कुवैत को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। साथ ही साथ जो बिजनेस करने वाले आएंगे लोग उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी कफिल नहीं होगा, मतलब कोई भी स्पॉन्सर नहीं होगा, वो हिमसेल्फ मतलब खुद को ही वीजा स्पॉन्सर करेंगे 5 साल से लेके 15 साल तक। ओके, तो ये कुवैत का एक वीजा के ऊपर अच्छा अपडेट था, लेकिन इस पे भी एक पूरा अपडेट है। तो वो क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कुवैत की 7वीं और आखिरी खबर के बारे में। तो आखिरी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आप सब लोगों को अक्टूबर के महीने में बताया था कि जो भी कमर्शियल विजिट वीजा है कुवैत का, उसको लेके अगर आप कुवैत के अंदर आते हैं तो आने के बाद आप उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये जो अपडेट पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से अक्टूबर के मंथ में दिया गया था, तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था उस टाइम। लेकिन अभी इस पे बैड न्यूज ये है, मतलब बैड अपडेट ये है कि अब जो है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से जितना भी कमर्शियल विजिट वीजा था जो कुवैत में आने के बाद वर्क वीजा में कन्वर्ट होता था, अब वो नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब जो आपका कमर्शियल विजिट वीजा होगा, बस आप विजिट करके कुवैत के अंदर जा सकते हैं, उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से। जो PAM मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के जो चेयरमैन है उनके अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है बस और बस इमरजेंसी और कोरोना को देखते हुए चलाया गया था कुवैत के अंदर। अब जो जितना भी कमर्शियल विजिट वीजा है वो अब वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जितना भी आपका फैमिली वीजा है या फिर आपका 20 नंबर वीजा है, ये सारा वीजा आपको वर्क वीजा में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कमर्शियल विजिट वीजा अब वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होगा अब। ओके, तो ये था एक बैड अपडेट वीजा के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि जितना भी वीजा है कुवैत के अंदर का 18 नंबर वर्क वीजा, चाहे फैमिली वीजा हो चाहे किसी भी टाइप का वीजा हो, बहुत जल्द खुलने वाला है। आप सब लोगों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि अब एक कुवैत के अंदर नया गवर्नमेंट बनने जा रहा है, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर में बन के क्लियर हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर में ही जितना भी वीजा है कुवैत का सारा वीजा आप सब लोगों के लिए खोल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ओके, तो ये था कुवैत का 7 बार अपडेट। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और आने वाला जो वीडियो होगा वो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी नया वीजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और उसका अप्रूवल का जो मेल है वो कितने दिन के अंदर में आएगा, और सारा कुछ उसके अंदर सारा डिटेल है, तो वो आप वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, और दूसरा जो अपडेट होगा वो कोवैक्सीन कैसे आप अपलोड करेंगे, वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके ऊपर वो वीडियो होगा। तो ये जो 2 वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं क्वेज अपडेट। थैंक यू।